हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे SSR रिले क्या होती है और इसको ये कैसे काम करती है। SSR मींस फ्रेंड्स है सॉलिड स्टेट रिले है। ये मेरे पास SSR रिले है, सॉलिड स्टेट रिले है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसके चार टर्मिनल हैं। हम टर्मिनल के बारे में बात करते हैं। चार टर्मिनल है, दो इनपुट टर्मिनल है, दो आउटपुट है। तो आउटपुट पे क्या है फ्रेंड्स, हम लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसको इनपुट अप्लाई करते हैं। तो क्या है कि किसी भी डिवाइस को जो जो हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम ऑन ऑफ करना चाहते हैं, और वो सॉलिड स्टेट रिले के थ्रू हम उसको स्विच करेंगे। कोई भी डिवाइस है, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हॉट एयर ओवन की। हॉट एयर ओवन में क्या होता है फ्रेंड्स, हीटर लगे होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक कंट्रोलर लगा रहता है, टेम्परेचर कंट्रोलर लगा रहता है। उससे हम क्या है इसके उसमें सेट पॉइंट डालते हैं। कोई भी हमने सेट पॉइंट डाला, जैसे हमने 40 डिग्री का सेट पॉइंट डाल दिया, तो उस 40 डिग्री को मेंटेन करने के लिए उस हीटर को कितनी वोल्टेज चाहिए, मतलब मींस कितने टाइम के लिए ऑन होना चाहिए कि वो 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम SSR रिले यूज़ करेंगे, वो टेम्परेचर को ये मेंटेन रखेगी, तो हीटर को उसी के हिसाब से ऑन ऑफ करवाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर सब कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है 3 से लेकर 32 VDC इनपुट। इसका मीन्स ये है कि हम इसके ऊपर इसके इनपुट पे हम 3 से लेकर 32 वोल्टेज DC अप्लाई कर सकते हैं, और आउटपुट पे क्या है कि 90 से लेकर 480 VAC और 40 एम्पियर, मैक्सिमम 40 एम्पियर तक इसके ऊपर हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं इसकी आउटपुट पे। ओके फ्रेंड्स, चलो हम ये तो इसकी होगी, थोड़ी इंट्रोडक्शन होगी। अभी मैं डायग्राम में भी बनाया है, कुछ डायग्राम में भी बताया आपको। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये जो SSR रिले होती है, सॉलिड स्टेट रिले होती है, ये हमारी जो EMR रिले होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, जनरली जो हम यूज़ करते हैं, उसकी तरह नहीं होती है। उसमें क्या होता है, मैकेनिकली कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे उनके NONC कॉन्टैक्ट होते हैं, कवैल में सप्लाई देती है, उसके आगे उसके जो NONC कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किए होते हैं, जैसे डायोड, ट्रैक, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, ऐसा यूज़ किया होता है, फोटोकपलर है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो इनपुट, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल को आइसोलेट कौन करता है, फोटोकपलर। और फोटोकपलर का क्या काम है, ये लिखा है मैंने, इट्स चेंज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑप्टिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट चेंज करता है फोटोकपलर। जैसे इनपुट आएगी और वो ट्रिगर करवाएगा, जो स्विच कराता है उसने फोटोकपलर, दो चीज़ों को आइसोलेट, जैसे मैकेनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में होता है कॉमन और NONC होते हैं, वो कंटेक्ट चेंज होते हैं मैकेनिकली, इसमें वो नहीं है, इसमें टोटली डिफरेंट है। इसमें जो हमारे ट्रैक है, थायरिस्टर है, वो एज ए स्विच काम करते हैं, वो स्विच करते हैं सिग्नल को, वो स्विच करते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल को आइसोलेट कौन करता है, फोटोकपलर आइसोलेट करता है, आइसोलेट का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, ये थी SSR की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी SSR के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, इसके ऊपर हम लोड भी कनेक्ट करेंगे, इनपुट भी लगाएंगे, और इसको पूरा हम कंट्रोल करके दिखाएंगे। इसके थ्रू कोई भी एप्लीकेशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने जाते हैं। सिर्फ इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी SSR के बारे में इंट्रोडक्शन दी है, इसके बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। उसके बाद
हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके थ्रू किसी एप्लीकेशन को कैसे कंट्रोल कर लें। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।